शांति के मसीहा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस संस्कारधानी में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के गिरिजाघरों में सुबह से ही प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों और आराधना के लिए ईसाई धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही। यीशु आराधना के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे जबलपुर प्रवास के दौरान आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और 2 करोड़ की लागत से निर्मित ओपीडी का लोकार्पण किया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के रेवेन्यू मैनेजमेंट विभाग को भोपाल शिफ्ट किए जाने के खिलाफ विभिन्न संगठनों के साथ ही अब विद्युत महकमे के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के संगठन भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मटर के उत्पादन में जबलपुर को अग्रणी बनाने वाले कृषकों को भारत संघ और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़े जबलपुर को पहले पायदान पर लाने के लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी श्रृंखला में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। राइट टाउन स्टेडियम से निकाली गई रैली में शामिल अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर रास्ते में पड़े कचरे को थैलों में भरकर सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के विभिन्न मंडलों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बीएचयू के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंचायत चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण और कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग की पैनी नजर है। बरगी के ग्राम समत पिपरिया मंगेली में शनिवार को आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा गया 2000 किलो लाहन और अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद की गई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार, और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में रही क्रिसमस की धूम, गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं और भक्ति गीतों का चला दौर। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने किया आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओपीडी का लोकार्पण। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत राइट टाउन से निकाली गई स्वच्छता प्रेरणा रैली, जबलपुर को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। शांति के मसीहा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस संस्कारधानी में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के गिरिजाघरों में सुबह से ही प्रभु ईसा मसीह के दर्शनों और आराधना के लिए ईसाई धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही। यीशु आराधना के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। संस्कारधानी में भी क्रिसमस का पर्व परंपरा अनुसार धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का दौर चला। ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु की आराधना कर जन कल्याण की प्रार्थना की और सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सभी लोगों पर अपनी आशीष बरसाते रहें। क्रिसमस का समय हमारे लिए बहुत खुशी का समय है, आनंद का समय है, क्योंकि जहां भी हम जाएं हम देखते हैं बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस, बहुत ही सुंदर ताराएं और अलग अलग प्रकार के प्रिपरेशंस चल रहे हैं क्रिसमस के लिए, और ये सब खुशी लाते हैं, आनंद लाते हैं, और क्रिसमस ज़रूर आनंद का संदेश लेकर आते हैं। जहां भी हम एक तारे देखते हैं वह हमें खुशी का या एक प्रतीक्षा का, नई प्रतीक्षा का, नई आशा का प्रेरणा देते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेचैन में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ में झेल रहे हैं, और इस समय
जब हम एक तारे को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमें एक आशा और नई प्रतीक्षा लाते हैं। इसलिए बाइबल में बताते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया है, उनका नाम इम्मानुएल है, हमारे साथ रहने वाले ईश्वर। और इसलिए इस समय भी हमें कोई किसी का डर नहीं होना चाहिए, बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ हम क्रिसमस को मनाना चाहिए। यीशु मसीह जन्मे हैं आज, तो आज तो मतलब बहुत बड़ा त्यौहार है, और कोरोना का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं पास्टर साहब से, फादर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, बिना मास्क के आप नहीं आएंगे। अब चूंकि संस्कार ऐसा है, लेना पड़ता है, साल में एक बार मिलता है, तो इसीलिए मास्क उतार के जाना ही पड़ता है। वो प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, उसे लेने जाना है। क्योंकि मनुष्य अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें ऐसी है जो जिन्हें करना कर पाना असंभव है, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो जब ईश्वर हमारे साथ है, तब हम अपने सभी कार्यों का चित्र कर सकते हैं। और क्रिसमस जयंती के अवसर पर हम विश्वास करते हैं कि स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहने के लिए आए हैं। होली ट्रिनिटी चर्च बालक यीशु के नाम से जाना जाता है, और आज एक विशेष दिवस है। आज के दिन कैथलिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाती है। प्रभु यीशु मसीह को सराय में जगह मिली थी, जहाँ पे गाय और बैल बनते थे, उन्हें बड़ा कुछ नहीं मिला, और माता मरियम और संत यूसुफ ने अपने इस दुलारे को एक गौशाले में जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह के आने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, और इस संसार से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और इस जन्मदिवस पर हम चाहते हैं कि हम अपने देश में सुख शांति समृद्धि चाहें। वहीं कैरव्स स्थित जीवन जल चर्च में भी क्रिसमस पर्व की धूम रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश प्रेम का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह तो कहते कि शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रभु ने जो क्रूस पर चढ़ाया उन्हें भी उसने माफ़ किया था, मतलब सारी दुनिया के सब देश के लोगों के लिए, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी देश के हों, उनका जो आर्थिक परिस्थिति जैसे भी हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी भाषा के हों, सब लोगों से बिना फर्क किए प्रेम करना, ये ही प्रभु यीशु मसीह का बड़ा संदेश है। और उस प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह मानव के उद्धार के लिए इस दुनिया में आए और अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए आए थे, ये बहुत बड़ा प्रेम है। पेंटिनाका स्थित चर्च में भी विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर चला, और सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे जबलपुर प्रवास के दौरान आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और 2 करोड़ की लागत से निर्मित ओपीडी का लोकार्पण किया और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर आयुष अधिकारियों की बैठक ली। ग्वारीघाट स्थित शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 2 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित ओपीडी की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे द्वारा किया गया। संसाधन विभाग को सॉल श्रीभल और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि इस ओपीडी के निर्माण से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज लगभग 2 करोड़ रुपए का हमने ओपीडी यहां पर महाविद्यालय में उसका लोकार्पित किया है।
क्योंकि पूर्व में बना हुआ हमारा ओपीडी था और आज के समय के आधुनिकता को हमने लिया है और सारे हमारे मशीन यहाँ पे लगेंगे, सारी नई प्रकार के हमारे मशीनें, हमारे डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था और क्या अच्छा लोगों को हम दे सकते हैं वो सारा का सारा हमारा तकनीकी व्यवस्था हमने यहाँ पर किया है और भवन भी बहुत अच्छा बना है। आज उसी को लेकर मैं आया था यहाँ पर लोकार्पण करने और अभी ये तीसरी लहर को लेकर हमारे जबलपुर संभाग के जितने भी हमारे आयुष अधिकारी हैं उनकी भी बैठक लेकर हमारी तीसरी लहर की भी तैयारी है। इस दौरान उन्होंने आयुष अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के रेवेन्यू मैनेजमेंट विभाग को भोपाल शिफ्ट किए जाने के खिलाफ विभिन्न संगठनों के साथ ही अब विद्युत महकमे के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के संगठन भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। रेवेन्यू मैनेजमेंट विभाग को भोपाल शिफ्ट किए जाने का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राकेश सिंह से मुलाकात कर उनसे रेवेन्यू मैनेजमेंट विभाग को शक्ति भवन मुख्यालय में ही रखे जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। ये हमारा पावर मैनेजमेंट कंपनी CGM कार्यालय को जो भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया है उसे ना किया जाए, इसके विषय में हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया और निवेदन किया है कि इसको रुकाया जाए, क्योंकि यहाँ से व्यवस्था ठीक चल रही थी और उसमें अननेसेसरीली हमारे कर्मचारियों को वहाँ जाना पड़ेगा, उनको एक असुविधा की स्थिति बनेगी, तो हमने उनको रोकने का और अभी व्यवस्था ठीक चल रही थी। सांसद से हुई चर्चा के बाद अधिकारियों ने बताया कि सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। मटर के उत्पादन में जबलपुर को अग्रणी बनाने वाले कृषकों को भारतीय किसान संघ और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा सम्मानित किया गया। मटर का उत्पादन करके जबलपुर को मटर उत्पादक जिले के रूप में पहचान दिलाने वाले कृषकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें 5 किसानों को सम्मानित किया गया। हम लोगों ने 6 किसानों का जो मटर में अग्रणी स्थान रखते हैं उनका सम्मान किया है और वर्तमान में सन 1974 में इस क्षेत्र में मटर के जनक स्वर्गीय केदारनाथ जी गोटिया जो यहाँ पर मटर को लाए और मटर की क्षेत्र में पहचान करवाई, आज उनके ब्रह्मलीन होने पर उनके पुत्र विजय गोटिया का हम लोगों ने सम्मान किया है। श्री केदारनाथ जी गोटिया जो अब ब्रह्मलीन है उनके पुत्र श्री विजय गोटिया जी का सम्मान किया और साथ में 5 कृषक और जिन्होंने इस परंपरा को संभाला और पूरे पाटन तहसील, जबलपुर तहसील एवं पनागढ़ तहसील और सैपरा तहसील में मटर का बम्फर उत्पादन किया जिससे कि आज जबलपुर को मध्य प्रदेश में जाना जाता है। शासन से निवेदन करते चले आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं किसान के, इतना उत्पादन होने के बाद हमारे जबलपुर जिला में कोई मटर प्लांट नहीं डला, इसलिए हम किसान लोग इससे मार खा रहे हैं, वो वाजिब रेट नहीं मिल पाता है और हमारे क्षेत्र में मटर की मुख्य फसल हो गई है, तो किसानों को ये मटर प्लांट डलने से बहुत बड़ा लाभ होगा, सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, तो इसलिए हम लोग किसान इससे मार खा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान संघ ने इन किसानों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित करने की मांग की है। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ ने प्रधानमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है। अनुसूचित जाति वर्ग में सुदर्शन समाज जो सुदर्शन शब्द है उसको अंकित किया जाए, जिससे जो हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला खारिज रजिस्टर में जो उनकी जाति की जगह दर्ज कराते हैं सुदर्शन, यदि इसकी जाति का उल्लेख नहीं रहेगा अनुसूची में तो हमें आने वाले समय में परेशानी होगी। तो हमारी ये 6 सूत्री मांग है कि जल्द से जल्द अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर सुदर्शन जाति का शब्द का अंकित किया जाए। मांगें पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़े जबलपुर को पहले पायदान पर लाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी श्रृंखला में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। राइट टाउन स्टेडियम से निकाली गई रैली में शामिल अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर रास्ते में पड़े कचरे को थैलों में भरकर सभी को स्वच्छता कायम रखने का संदेश दिया।
स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत राइट टाउन स्टेडियम से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ कैंट विधायक अशोक रोहाणी, उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के द्वारा किया गया। स्वच्छता का संदेश देने निकाली गई रैली में शामिल अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और इस दौरान हाथों में लिए थैलों में सड़कों पर पड़े कचरे को भरकर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनकर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने की अपील की। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना और भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने बताया कि यदि समस्त लोग इस अभियान का उद्देश्य समझकर इसका पालन करने लगे तो जबलपुर भी पहले पायदान पर आ सकता है। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज लोगों में जागरूकता लाने के लिए कचरे का थैला देकर साथ ही चलते हुए कहीं रास्ते में कचरा मिलना उसको उठाना, निश्चित रूप से यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता, इससे अंदाज लगा सकता कि पहले बाहर हम कचरा ऐसे ही फेंकते थे लेकिन आज ये स्थिति है कि हम कचरा फेंकने के पहले 10 बार सोचते हैं। निश्चित रूप से आज यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है यह लोगों को प्रेरणा जगाएगा। ये वो बच्चे हैं जो आजकल में माता पिता भी गलती से अगर पन्नी कहीं भेज देते तो कहते मम्मी पापा ठीक नहीं। ये जो परिवर्तन है देश में, ये जो देश में युवा जो पीढ़ी है जो रात को दो दो ढाई ढाई बजे तक जगती है लेकिन आप सुबह देखिए स्वच्छता के नाम पे सब यहाँ इकट्ठे हैं, इसका मतलब है कि सब जागरूक हैं। मैं इन सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जबलपुर शहर स्वच्छता में नंबर वन आए और जो कमियाँ शासन और प्रशासन की तरफ से रही हैं उनको दूर किया जाए। लाखों करोड़ रुपये खर्च करके भी हम अगर नंबर वन नहीं आ पाते तो कहीं ना कहीं जनता की गलती नहीं है, प्रशासनिक रूप से कुछ कमियाँ हैं जिसको हमें दूर करना चाहिए समय रहते और जबलपुर शहर को हरा भरा ग्रीन जबलपुर क्लीन जबलपुर बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और नया वर्ष जो है हम इस उम्मीद के साथ कि जबलपुर शहर देश में नंबर वन आए इसके लिए हम लोग सब मिलजुल के प्रयास करें, यही आज का संदेश है और आज यही जरूरत। उद्देश्य यही है कि हम जबलपुर को स्वच्छ और नंबर वन पर इसको लेके आए जबलपुर को, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छता प्रेरणा रैली का समापन मानस भवन में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के विभिन्न मंडलों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान महात्मा गांधी वार्ड में निर्धन परिवारों को कंबल वितरित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर स्वामी विवेकानंद मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। पूरे मध्य प्रदेश में के आज जबलपुर जिले के सभी 16 मंडलों में हमारे श्रद्धेय पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस को मध्य प्रदेश संगठन ने आह्वान किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को सुशासन दिवस के रूप में मनाना है। आज मंडल अंतर्गत सभी 68 बूथों में पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वार्डों में गरीबों को फल वितरण, कम्बल वितरण और वृक्षारोपण भी करवाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर महात्मा गांधी वार्ड में भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए निर्धन परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। तो महात्मा गांधी वार्ड बूथ क्रमांक 164 में हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। जो क्षेत्र में स्लम्स एरिया है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन महिलाओं को और पुरुषों को बुलाकर हम लोग ने कम से कम 100 महिलाओं और पुरुषों को हम लोग ने कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष अटल जी की जयंती पर कंबल वितरण का कार्य किया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल मंडल बाल गंगाधर तिलक वार्ड के सभी बूथों में परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और प्रत्येक बूथ पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी अध्यक्ष रोहित यादव, विक्रम यादव, भानु राजपूत एवं सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। बीएचयू के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जैसा कि सभी वक्ताओं ने महामना भारत रत्न कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय मदन मोहन कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित मदन मोहन मालवीय को असाधारण शख्सियत का धनी बताते हुए उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान पर चर्चा की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर मालवीय चौक पर इकट्ठा होकर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया, उनको याद किया, उनके किए गए कार्यों को सभी ने यहाँ पर गोष्ठी में अपनी अपनी बातें रखी और इस बात का संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम लोग उनके दिए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, कैसे जबलपुर शहर हमारा आगे बढ़े, कैसे मध्य प्रदेश और देश हमारा मजबूत हो, इन सब बातों को लेकर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ आज क्रिसमस का भी त्यौहार है, सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जयंती है, उसके लिए भी उनको नमन करता हूँ। चार बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ उन्होंने उस समय जब शिक्षा व्याप्त थी, चारों तरफ देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने एक एक रुपये चंदा करके एकत्रित करके सामूहिक रूप से लोगों से सहयोग लेकर उसका कार्य किया। उन्होंने कटोरा लेकर शिक्षा के लिए पैसा मांगा। ऐसा महान नेता, इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिनके नेतृत्व में हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो चार बार अध्यक्ष रहे और वो अध्यक्ष रहते हुए संगठित करके पूरी कांग्रेस को एक माला में लेकर चले, ऐसे महान नेता की जयंती हमने आज मनाई। उनके चरणों में मैं अपनी पूरी कांग्रेस परिवार की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता की आज़ादी के आंदोलन से लेकर शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने से लेकर उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वो मालवीय चौक स्थल है जबलपुर शहर संस्कारधानी का, जहां से छात्र राजनीति के स्तंभ रहा है और यहां से बड़े बड़े छात्र नेताओं ने आंदोलनात्मक गतिविधियों को चलाकर मालवीय चौक मालवीय जी के मार्ग आशीर्वाद से जबलपुर ही नहीं पूरे देश में उनका नेतृत्व करने का अवसर उनको मिला। कांग्रेसियों ने इस मौके पर महामना के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। पंचायत चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण और कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग की पैनी नजर है। बरगी के ग्राम समद पिपरिया मंगेली में शनिवार को आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा गया 2000 किलो लाहन और अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद की। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग का अमला ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का कारोबार करने और अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर निगाह रख रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को आबकारी के अमले ने बरगी थानांतर्गत समद पिपरिया और मंगेली में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध रूप से निर्माण कर रखी गई अवैध कच्ची शराब और 2000 किलो लाहन जब्त किया। आबकारी विभाग के द्वारा लाहन को मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वहीं 30 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आबकारी विभाग अवैध शराब का निर्माण करने और कारोबार करने वाले लोगों की पतासाजी कर रहा है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।